कोरोना के कहर को अभी लोग भुला नहीं पाए हैं कि सोशल मीडिया पर डिजीज एक्स की चर्चा शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि कोरोना के बाद डिजीज एक्स महामारी बनकर सामने आ सकती है, एक कोरोना से भी भयंकर महामारी का रूप ले सकती है। पृथ्वी पर मौजूद लाखों करोड़ों वायरस इसका कारण बन सकते हैं। यूके वैक्सीन टास्क फोर्स के अध्यक्ष रह चुकी हेल्थ एक्सपर्ट किट विंगम ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि डिजीज एक्स स्पेनिश फ्लू जो कि 1919 से 1920 में आया था जितना विनाशकारी हो सकता है। बता दें कि स्पेनिश फ्लू ने लगभग 50 मिलियन यानी 5 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। ऐसे में एक बार फिर से डिजीज एक्स के रूप में 5 करोड़ लोगों की जान पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आइए आपको बताते हैं डिजीज एक्स से जुड़ी संबंधित। पहले हम लोग जानते हैं कि डिजीज एक्स है क्या। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO कुछ महीने पहले डिजीज एक्स को लेकर अलर्ट कर चुका है। WHO ने ही इसे डिजीज एक्स नाम दिया है क्योंकि इस बीमारी के बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है। पृथ्वी पर मौजूद लाखों करोड़ों वायरस इसका कारण बन सकते हैं। वास्तव में डिजीज एक्स किसी बीमारी का नाम नहीं है, ये एक ऐसा टर्म है जिसका इस्तेमाल उन बीमारियों या इंजेक्शन के लिए किया जाता है मौजूद हालातों में जिसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती। डिजीज एक्स वायरस, बैक्टीरिया या फंगस किसी भी रूप में लोगों को प्रभावित कर सकती है, इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं होता। दरअसल WHO के ओर से एक ऐसी सूची तैयार की गई है जिसमें उन संक्रामक रोगों की पहचान की गई है जो भविष्य में महामारी का रूप ले सकते हैं। इसमें इबोला वायरस, मार्गबर्ग, मीडिया ईस्ट आदि जो है COVID-19, जीका के अलावा डिजीज एक्स का जो है जिक्र किया गया है। अब हम लोग जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग में WHO ने किया था अलर्ट। तो WHO चीफ डॉक्टर टेड्रोस ने जो है मई में जिनेवा में हुए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग में डिजीज एक्स को लेकर चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि डिजीज एक्स के रूप में एक और महामारी कभी भी आ सकती है, इससे बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो सकती है। इस महामारी का सामना करने के लिए पूरी दुनिया को एकजुट होकर तैयार होना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर किस बुक में डिजीज एक्स का जिक्र किया गया है। यूके वैक्सीन टास्क फोर्स के पूर्व चेयरमैन किट विंगम और पूर्व पत्रकार व राजनीतिक सलाहकार टिम हेल्स ने मिलकर एक किताब लिखी है जिसका नाम है द नेक्स्ट किलर। किताब में एक्स डिजीज का जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे वायरस पृथ्वी पर सबसे प्रचुर और विविध जीवन के रूप में है और इसमें से कितने मनुष्यों के लिए खतरा पैदा करते हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि वैज्ञानिकों ने वायरस के 25 परिवारों की पहचान की है जिसमें प्रतीक में सैकड़ों या हजारों अलग अलग वायरस हैं। इसमें से कोई भी महामारी पैदा करने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। ये वायरस जानवरों से इंसानों में आ सकते हैं और तेजी से म्यूटेंट हो सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर डिजीज एक्स से बचने के लिए क्या है चुनौती। तो किट विंगम ने इंटरव्यू में कहा है कि अगर दुनिया को डिजीज एक्स के खतरे से निपटना है तो बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान के लिए तैयार होना होगा और तय समय में खुराक देनी होगी। लेकिन चिंता की बात यह है कि डिजीज एक्स के बारे में किसी को कोई अनुमान नहीं है। ऐसे में जब ये महामारी आएगी तो पहले से इसका कोई टीका या उपचार भी मौजूद नहीं होगा। ठीक ऐसे ही कोरोना के मामले में हुआ था और इलाज न मिलने के कारण दुनिया भर में तमाम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। WHO पहले से ही डिजीज एक्स को लेकर पूरी दुनिया में भारी संख्या में मौत के खतरे को लेकर आगाह कर चुका है और इस महामारी से एकजुट होकर मुकाबला करने की बात कह चुका है। आई होप आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।